नमस्कार, BCN न्यूज के doctor.com कार्यक्रम में मैं क्षितिजा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ है क्षेत्रीय आयुर्वेदीय अनुसंधान संस्थान के प्रभारी सहायक निदेशक डॉक्टर आर गोविंद रेड्डी। इनसे हम कोरोना की पूरी परिस्थितियों और क्षेत्रीय आयुर्वेदीय अनुसंधान संस्थान द्वारा किए जा रहे कार्य पर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस कार्यक्रम में। सबसे पहला मेरा प्रश्न है, आयुष मंत्रालय द्वारा संचालित नागपुर संस्थान की गतिविधियां किस तरह की है? नमस्कार, मैं डॉक्टर आर गोविंद रेड्डी, प्रभारी सहायक निर्देशक और क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान की तरफ से, और खास करके ये क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्था ये नंदनवन में वेंकटेश नगर पे है, और साथ ही ये सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस के अंतर्गत है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष आयुष मंत्रालय के अंतर्गत है। और ये संस्थान यहाँ पर लगभग वेंकटेश नगर में 16 साल से है, और काफ़ी वहाँ पर सुविधा ही उपलब्ध है, जैसे काफ़ी दैट मीन्स जनरल OPD है, IPD है, और पंचकर्मा है, खास करके केरलियन जो पंचकर्मा पद्धति है वो पद्धति है, और फुल इक्विपेबल लेबोरेटरी है। तो काफ़ी हम लोग आउटरीच एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट प्रोग्राम्स रहता है, शेड्यूल कास्ट प्रोग्राम्स भी है, और ट्राइबल हेल्थ के ऊपर भी हम लोग काम करते हैं। ट्राइबल हेल्थ में भी हमारा काफ़ी अच्छा काम चल रहा है, काफ़ी सालों से हम लोग चल रहा है, और वैसे ही स्वास्थ्य RCH दैट इज रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ के ऊपर खास करके शेड्यूल कास्ट लोगों के लिए उसमें भी एक कार्यक्रम हम लोग करते हैं, और ये एक एक साल का एक एक प्रोग्राम के हिसाब से हम लोग एक एक एरिया चूज करके हम लोग करते हैं, और हम लोग लगभग नागपुर और जो आजू बाजू का जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी हम लोग ने पूरा कंप्लीट कार्यक्रम किया, जैसे वारदा है, जैसे गढ़चिरौली है, चंद्रपुर है, और जैसे भंडारा है, ये सभी जगह पे हम लोग ट्राइबल और इसमें काम कर चुके हैं। और SSP शेड्यूल कास्ट का प्रोग्राम नियर बाई एरिया में, जो नागपुर का जो ग्रामीण एरिया है, नागपुर शहर का एरिया में भी जो झोपड़पट्टियाँ है उसमें भी हम लोग ने काफ़ी काम कर चुके हैं। इंस्टीट्यूट का मैंडेट क्या है, मतलब? ये इंस्टीट्यूट का जो मैंडेट है, खास करके मदर एंड चाइल्ड हेल्थ के ऊपर काम करते हैं, और आप लोगों को तो पता है अभी मदर एंड चाइल्ड हेल्थ में काफ़ी अपना को काम करने का आवश्यकता है। हम लोग खास करके जो रिसर्च प्रोजेक्ट से है, खास करके मदर का और रिलेटेड, और जो प्रेगनेंसी रिलेटेड और इनफर्टिलिटी रिलेटेड, और खास करके जो स्त्री रोग उसमें जो डिसीजेस है उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। बिल्कुल। हाँ। पिछले एक साल से हमने देखा कि कोरोना का काल शुरू है, कोरोना का दौर शुरू है। इस दौरान आयुष मंत्रालय का जो द्वारा संचालित जो नागपुर का इंस्टीट्यूट है, किस तरह की गतिविधियाँ, किस तरह के मतलब यहाँ पे सुविधाएँ जो है मरीजों को दी जा रही है? अभी मेरा काल में, अभी जो जैसे जो पैंडेमिक स्टार्ट हो गया है लास्ट फरवरी मार्च के समय से, लास्ट ऑलमोस्ट ऑल ये एक साल के ऊपर हो गया। अभी लास्ट एक साल जैसे कोरोना स्टार्ट हो गया है, सभी लोग डरते थे, बिल्कुल जाने के लिए डरते थे, और ट्रीटमेंट देने के लिए डरते थे, मगर हमारा संस्था का जो डॉक्टर्स है और सभी कर्मचारी गण, सभी लोग, हम लोग डोर टू डोर सर्वे किया है हमने,
काफ़ी पेशेंट्स को हम लोग ने प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में हम लोग ने काफ़ी काम किया है। जैसे हमारा जो संजीवनी ऐप है, संजीवनी ऐप डाउनलोड करके उसका जो आयुष मंत्रालय का जो गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस को भी हम लोग डाउनलोड करवा के पेशेंट्स को और पार्टिसिपेंट्स को और कैसे हेल्दी रहना है, जो गाइडलाइंस में जो दिया हुआ जो नियमावली, सो उसको हम लोग ने किया है। और हम लोग ने काफ़ी जगह पे हम लोग ने मेडिकल कैंप्स किया है कोरोना रिलेटेड, और कोरोना को ना होने के लिए हम लोग काफ़ी जो दवाई है जो आयुष मंत्रालय के द्वारा जो आ गया, जैसे आयुष 64 है, अश्वगंधा है, गुरुची घनवटी है, शमशमनी वटी है और अमृतारिष्टा है, ये सब वैसा दवाई हम लोग ने हर छोटा छोटा झोपड़पट्टियों में जाके हम लोग ने मेडिकल कैंप्स किया है। अच्छा। उससे लोगों से काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन हो गया और काफ़ी इसका पब्लिसिटी भी हो गया है। बिल्कुल, जो मरीज़ों को अभी फ़िलहाल जो है आपके जो इंस्टीट्यूट में ओपीडी शुरू की गई है कोरोना मरीज़ों के लिए, तो किस तरह की सुविधा इन मरीज़ों को दी जा रही है? अभी हम लोग ने आयुष मंत्रालय की द्वारा अभी हम लोग को 10th मई से हमने आयुष का जो 64 के ऊपर खास करके जो कोरोना का ओपीडी स्टार्ट कर दिया है हम लोग ने कोरोना मरीजों के लिए, और कोविड ओपीडी एक स्टार्ट कर दिया है और एक पोस्ट कोविड का भी ओपीडी स्टार्ट कर दिया है। ये दो ओपीडी अभी हमारे पास उपलब्ध है, और जो भी पेशेंट अगर पॉजिटिव है उनका कोई भी रिलेटिव हमारे पास आएगा तो जो कोविड पॉजिटिव का पेशेंट का रिपोर्ट लेके और उनका आधार कार्ड नहीं तो कोई भी एड्रेस प्रूफ लेकर और मोबाइल नंबर और लेके आ जाएगा, तो हम लोग वहाँ पर गूगल फॉर्म फिलअप करके हम आई 64 का जो औषधियाँ है वितरण देना है हम लोग। बिल्कुल, हाँ। कोरोना की पहली लहर के बाद दूसरी लहर आई है और वो ज़्यादा भयावह है, इसके लिए सावधानी कैसे बरती जाए क्या बताओगे? खास करके जैसे जो आयुष मंत्रालय के द्वारा हम लोग ने जो गाइडलाइंस जो दिया है, जैसे जनरल गाइडलाइंस एंड फिजिकल जो मेजरमेंट जो है उसमें खास करके फिजिकल डिस्टेंस इज मोर इम्पॉर्टेंट है इसमें। बिल्कुल, फिजिकल डिस्टेंस इम्पॉर्टेंट है, और खास करके जो हाइजीन पार्ट है जैसे रेस्पिरेटरी हाइजीन और जो हैंड हाइजीन, तो इसलिए खास करके हम लोग बोलते हैं कि हर टाइम आपका हाथ ठीक से धो ले, ठीक से सैनिटाइज करे, और किधर भी जाएगा तो कंपलसरी मास्क वेयर करना बहुत ज़रूरी है, और सोशल डिस्टेंस एटलीस्ट मिनिमम 2 मीटर्स का डिस्टेंस रखेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। पहले तो एक ही 1 मीटर का था, मगर बाद में हम तो बोलते हैं कि 2 मीटर्स ये करें। और खास करके हम लोग जो गाइडलाइंस में हम लोग बोलते हैं कि दिन भर आप गर्म पानी पीते जाइए। अच्छा। हाँ, सुबह से शाम तक जब भी हमेशा गर्म पानी पीते जाइए। और उसके अलावा आयुष मंत्रालय के गाइडलाइंस के अनुसार आयुर्वेदा में जो बताया है गोल्डन मिल्क, तो जो 150 ml दूध में 1 चम्मच हल्दी डाल के उसको गर्म करके सुबह और शाम को दे दीजिए, उसमें इम्यूनिटी बढ़ेगा उसमें, और इम्यूनोमॉड्यूलेटर का ड्रग्स है ये। और उसके साथ साथ में अनुतेल, अदरवाइज षडबिंद तेल, अगर इवन कोकोनट ऑयल आप दोनों नॉस्ट्रिल में दो बूंद डाल के आप घर से निकलने से पहले एक बार, घर से वापस आने के बाद फ्रेश होके अगर 2 बार अगर नस्य करेंगे उससे भी काफ़ी फायदा हो जाएगा कि आपका जो डाइट है, डाइट बहुत अच्छा रहना चाहिए, बैलेंस डाइट रहना चाहिए, और ख़ास करके आपका जो फिज़िकल एक्सरसाइज भी चाहिए, और आपका जो स्लीप है वो साउंड स्लीप एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स मिनिमम स्लीप रहना चाहिए। बिल्कुल, दूसरी लहर के बाद जो है तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है और जिसमें बच्चे जो है ज़्यादा प्रभावित होने की भी आशंका जताई जा रही है, तो किस तरह से सुरक्षितता बरतनी चाहिए इसमें? खास करके जो थर्ड इसका जो एक्सपेक्ट कर रहा है ऑलरेडी कुछ प्लेसेस में स्टार्ट भी हो गया है छोटे बच्चों के लिए खास करके अपन प्रिवेंटिव मोड पे काफ़ी जाना चाहिए अपन। बिल्कुल, हाँ, जैसे मास्क जो बोला है और जो बाहर जाना, जो सेफ घर पे रहना, और उनका जो बच्चों का जो इम्यूनिटी बढ़ाना,
सो बच्चों का इम्यूनिटी कैसे बढ़ेंगे, जो आयुर्वेदिक पद्धति में जो सुवर्ण प्राशन जो बताया है, जो सुवर्ण प्राशन का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत महत्व है। सो जैसे उसे बॉडी का जो इम्यूनिटी है वो बढ़ेंगे, वैसा ही जैसे अमृतारिष्टा है, अमृतारिष्टा दे सकता है, शमशमनी वटी दे सकता है, गिलायु का जो चूर्ण दे सकता है, गिलाई का काढ़ा बना के दे सकता है, जैसे गोल्डन मिल्क बताया, गोल्डन मिल्क भी एवरीडे सुबह शाम दे सकता है, इससे काफ़ी लाभदायक रहेगा। बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि कहीं कहीं जो है तीसरी लहर आ भी चुकी है, तो नागपुर में ऐसे कोई बच्चे जो है आपके आयुष मंत्रालय के संस्थान में आए हैं जिनमें तीसरी लहर के? हमारे पास अभी तक कोई पेशेंट का अभी तक रिपोर्टिंग नहीं हुआ है, खाली हमारे पास एक दरमीन्स पेशेंट का अटेंडर आके हम लोगों को बता दे दिया है ऐसा ऐसा है सिम्टम्स का, तो उनके जो सिम्टम के हिसाब से हमने उनको दवाई हम लोग ने प्राप्त करवा दे दिया है। बिल्कुल, कोरोना महामारी के दौरान वरिष्ठों से लेकर बच्चों तक ये जो है मतलब गाइडलाइंस दी गई है, तो वो कौन सी गाइडलाइंस आयुष मंत्रालय द्वारा दी गई है? आयुष मंत्रालय का जो वेबसाइट है, वेबसाइट में खास करके टोटली एक वेब में टोटली कोविड का रिलेटेड एक वेब पेज है, उसमें आप लोग डायरेक्टली उसको डाउनलोड कर सकता है। कुछ नेशनल गाइडलाइंस बना हुआ है और कुछ योगा प्रोटोकॉल्स बना हुआ है, कुछ कोविड के लिए भी प्रोटोकॉल्स बना हुआ है, उसमें इंग्लिश और हिंदी में है, और कुछ कुछ हम लोग लोकल लैंग्वेज जैसे मराठी लैंग्वेज में भी हम लोग ने उसको ट्रांसलेट करके रखा है। सो खास करके मेरा एक ही विनती है, जो आयुष मंत्रालय का जो वेबसाइट है सभी लोग रेफर करें, और आयुष मंत्रालय ने काफ़ी तरह से उसको अपडेट करके रखा है, वैसे उसमें जैसे आयुष संजीवनी ऐप बताया, आयुष संजीवनी ऐप में भी काफ़ी उपयोग हो जाता है, जैसे हम लोग क्या क्या करना है उसमें, आप क्या क्या खाना है, क्या क्वात लेना है, खास करके जो आयुष का जो काढ़ा है, आयुष जो क्वात जो अमृतोत्तर कषाय बोल के बोलते हैं हम लोग, जो वो काढ़ा भी बहुत लाभदायक जाएगा। और ख़ास करके हमने नागपुर में एक आयुर्वेदा रक्षक किट बोल के, उसमें आयुर्वेदा रक्षक किट में चार ड्रग है, और एक तो शमशमनी वटी है, वो दो गोली सुबह दो गोली शाम को देते थे, च्यवनप्राश है, आधा चम्मच सुबह दूध के साथ में लेना चाहिए, और एक आयुष काढ़ा है, उसको काढ़ा को जैसे अपन चाय जैसे बनाते हैं सो क्वात बना के उसको शाम के टाइम पे लेना चाहिए, और उसमें अनुतेल भी दिया है, वो अनुतेल भी चार दो बूंद सुबह दो बूंद रात को आप ये कर सकता है। बिल्कुल, जैसे हमने हाल ही में देखा कि दूसरी लहर में मरीजों से जो है जो प्राइवेट अस्पतालों द्वारा काफ़ी फीस जो है वसूली गई थी, तो आयुष मंत्रालय द्वारा किस तरह की कॉस्ट जो है मरीजों के लिए रखी गई है? हमारा जो आयुष मंत्रालय के द्वारा जो क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्था का जो फी अगर हम बताएंगे तो आप लोग सभी हंसेंगे, क्योंकि जो मंत्रालय के द्वारा जो संस्था है टोटली फ्री है, और ख़ास करके हम लोग साल भर का पेशेंट के लिए जो ओपीडी फीस है ओनली 10 रुपये लेते हैं, और अच्छा। हर टाइम जो आते हैं उसके लिए कोई फ्री नहीं है, और सभी दवाई है एक ही बार आना, यस, साल भर में एक ही बार ले लेंगे, और हम लोग कोई दवाई का कोई पैसा नहीं लेते हैं वहाँ पर, सभी दवाई फ्री में उपलब्ध होता है। जैसे देखा जा रहा है अभी जो I-64 जो टैबलेट है, ये जो I-64 टैबलेट है ये रिसर्च ओरिएंटेड ड्रग है, सो इसको भी हम लोग ने फ्री में दे रहा है वहाँ पर, कोई कॉस्ट नहीं कर रहा है। बिल्कुल, अभी जो आपने आयुष 64 दवाई बताई है, ये दवाई कौन से पेशेंट को दी जाती है? ये I-64 दवाई जो है ये खास करके हम लोग इसके ऊपर 30 साल पहले CCRS सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस ने मलेरिया के ऊपर इसको उपयोग किए थे, मलेरिया में काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स आए थे, और मलेरिया में खास करके जो पैंडेमिक हुए थे 30 साल पहला वो टाइम पे ये दवाई से काफ़ी लाभदायक हो गया। सेम वही कंसेप्ट से हम लोग कोविड के ऊपर हम लोग ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यहाँ नागपुर में और बाकी सेंटर्स में भी, नेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी, दूसरा एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज में भी इसका क्लिनिकल ट्रायल्स हो गया, मल्टी सेंटर क्लिनिकल ट्रायल्स हो गया, और ये क्लिनिकल ट्रायल में ये प्रूव हो गया ये एसिम्प्टोमेटिक, माइल्ड और मॉडरेट
ये पेशेंट्स में इसका दवाई दे सकता है। और ख़ास करके यहाँ नागपुर में प्रोफेसर राजेश गोसावी सर और मैं दोनों भी प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर थे वो इसके लिए ट्रायल्स के लिए। ये खास करके ये नागपुर में हम लोग ने क्लिनिकल ट्रायल किया फर्स्ट टाइम इन इंडिया। और नागपुर इंस्टीट्यूट का जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है डीन और कलेक्टर रविंद्र ठाकरे सर का बहुत इसके ऊपर काफ़ी काम दैट मीन्स उन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट लिया है और इसको फर्स्ट ट्रायल्स यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है। तो इससे हम लोगों को काफ़ी अच्छा लाभदायक पेशेंट लोगों में हो गया है। और इसमें खास करके चार दवाई है ड्रग है और चार ड्रग का बहुत अच्छा ये है, एक तो सप्तपर्णी है और कुटकी है किरायतिकता है और कुबेरक्षा दैट इज़ ए लता करंजा है। ये चार ही ड्रग है और ख़ास करके ये प्योरली हर्बल ड्रग है और इसमें कोई मिनरल नहीं है और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और अभी तक जितना भी पेशेंट लोगों को दिया है कोई पेशेंट में साइड इफ़ेक्ट अभी तक हम लोगों को नहीं पा गया है और इसका कॉस्ट भी बहुत कम है। बिल्कुल मुझे ये पूछना था ये जो दवाई है एलोपैथी के साथ भी ये दवाई ले सकते हैं अगर मरीज को लेना है तो? ये दवाई हम लोगों ने डिफरेंट ट्रायल्स किया, इसको स्टैंड अलोन में भी किया है और एडन में भी किया है। सो दोनों में भी अपन ये दवाई का उपयोग हो रहा है, एक ही दवाई भी दे सकता है। और जो एलोपैथिक का जो दवाई चल रहा है जैसे एंटीवायरल चल रहा है एंटीबायोटिक्स चल रहा है कुछ विटामिन चल रहा है विटामिन सी चल रहा है तो वो इसके साथ साथ में भी ये दे सकता है। बिल्कुल हाँ। ये दवाई जो है आयुष 64 कितने दिन पेशेंट ने लेनी चाहिए? ये जो आयुष 64 है इसका एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट में दो गोली सुबह दो गोली रात को 20 दिन देना चाहिए और माइल्ड और मॉडरेट के लिए दो गोली सुबह दो गोली दोपहर दो गोली रात को दैट मीन्स तीन बार लेना चाहिए। सो एक गोली का डब्बी में हम लोग 40 गोली है और एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट के लिए दो डब्बी फ्री में दे रहा है और ये जो डब्बी है इसमें 40 गोली है। सो एसिम्प्टोमेटिक के लिए दो डब्बी दे रहा है और माइल्ड और मॉडरेट के लिए तीन डब्बी दे रहा है। और सभी नागपुर का जो शहर का जितना जोनल जोन है जहाँ जोनल मेडिकल ऑफिसर्स है वहाँ पर सभी जगह पे हमारा काउंटर्स है, अब सभी जगह पे उपलब्ध है। और ख़ास करके कलेक्टर साहब ने ऑर्डर निकाला है, कमिश्नर साहब ने ऑर्डर निकाला है इसका और ये नागपुर शहर में नागपुर का जो रूरल है रूरल प्लेस में भी इसको हम लोग यूज़ कर रहा है। हर PSC में भी हम लोग ये दवाई का वितरण चालू है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई एक रुपये भी पैसा देने का जरूरत नहीं है इसको। हम लोग ने 12 लाख टैबलेट मंगवा दे दिया खास करके ये कोविड का प्रभावित देखते हुए। और ये नॉट ओनली द महाराष्ट्र, सभी स्टेट में आयुष मंत्रालय ने इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस रिलीज कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हमारा माननीय मंत्री महोदय ने इसको उद्घाटन कर दिया और हमारा माननीय जो सचिव सर राजेश कोटेचा सर ने इसको काफ़ी अच्छी ये देके दैट मीन्स सपोर्ट करके हाँ इसको पूरा ऑल ओवर इंडिया में इवन सेवा भारती के साथ में हम लोग काम कर रहा है, सेवा भारती के साथ में हम लोग ये दवाई का वितरण चालू है। और ख़ास करके हमारा जो डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर एन श्रीकांत जी काफ़ी एक्टिव इसके ऊपर आयुष ट्रायल्स के ऊपर कोविड के समय में काफ़ी हम लोग ने क्लिनिकल ट्रायल्स किया है CCRS के द्वारा। बिल्कुल, ये जो आयुष 64 दवाई है ये जो दूसरी बीमारी रहती है जैसे कि डायबिटीज़ हो गया BP हो गया ये मरीज भी ये दवाई ले सकते हैं? ज़रूर ले सकता है इसको, जो कोमॉर्बिडिटी रहे कोविड के साथ साथ में जैसे आपने बताया है कि डायबिटीज़ है हाइपरटेंशन है थायराइड है और कुछ और अस्थमा है वैसा डिसीज़ में भी आयुष 64 ले सकता है। बिल्कुल, हमने देखा कि कोविड होने के बाद मरीजों में म्यूकर माइकोसिस का जो फंगस इन्फेक्शन है देखा जा रहा है तो इसके लिए भी आयुष मंत्रालय द्वारा कुछ दवाइयों को जो है मरीजों को दी जा रही है ऐसा कुछ? अभी खास करके ये जो कॉम्प्लिकेशन जो नया जो बीमारी जो आ रहा है जैसे ब्लैक फंगस और वाइट फंगस जो बता रहे हैं सो उसके लिए भी हम लोग आयुष मंत्रालय अभी काफ़ी रिसर्च के मोड पे है
और कुछ दवाई, नया दवाई का शोध चालू है, और इसमें खास करके जो ब्लैक फंगस, इसमें जो कारण जो है, खास करके जो ये जो हाई डोज ऑफ जो स्टीरॉयड्स यूज़ कर रहा है एलोपैथिक का, उसके द्वारा और एंटीबायोटिक्स, मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक्स, और ख़ास करके जो इंडस्ट्रियल जो ऑक्सीजन है उसके वजह से अपने को ये ब्लैक फंगस और ये, और हाइजीन भी इसके इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो मॉइस्चर, और इसके वजह से तो उसमें अभी हम लोग आयुर्वेदिक दवाई जैसे कुछ इम्यूनिटी बढ़ाने वाला इम्यूनोमॉड्यूलेटर ड्रग्स का उपयोग करेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, और ख़ास करके नस्यकर्मा, रक्तमोक्षण, जलुकावाचरण ये कर लेगा तो इसलिए बहुत लाभदायक रहेंगे। बिल्कुल। वैसे जो वाइट फंगस है, वाइट फंगस में भी ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डिसीज़ जैसे HIV है, और कोई अगर कैंसर का पेशेंट से उनका जो कीमोथेरेपी चल रहा है लॉन्ग टर्म, उसमें भी ये लोगों का कोविड का जो रिकरेंट पेशेंट्स है उसमें वाइट फंगस का भी कुछ केसेस हम लोग अपना को जो सिम्टम्स जो है सीवियर हेडेक रहता है और पेन इन द साइनस, ये साइनस एरिया में पेन रहता है और ब्लैकिश ग्रोथ रहेंगे। सो इसका जो सिम्टम्स है। बिल्कुल। हमने देखा कि पिछले एक साल से कोरोना का दौर चल रहा है, इसमें मानसिक स्थिति भी है लोगों की जो थोड़ी सी उसमें बदलाव देखा गया है, तो इसके लिए भी आयुष मंत्रालय द्वारा किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं? इसमें तो काफ़ी अच्छा आयुर्वेदा के थ्रू अपन ट्रीटमेंट कर सकता है। हम लोग ऑलरेडी हमने हमारा जो क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्था में जो OPD जो स्टार्ट कर दिया है, उसमें हमने जो कोविड OPD और पोस्ट कोविड OPD दोनों भी स्टार्ट कर दिया। वहाँ पर हम लोगों ने कुछ योगा कंसल्टेंट को भी रखा है, योगा कंसल्टेंट को हमने अपॉइंट कर दिया। वो मैडम खास करके उनको प्राणायाम और उनका जो मेडिटेशन और योगासंस वो करके उनको काफ़ी अच्छा मनो असंतुलन को उनको बैलेंस करने के लिए ये हम लोग करते हैं, और हम लोग खास करके वहाँ पर काउंसलिंग करते हैं। हम लोग एक काउंसलिंग सेंटर भी रखा है कि जो कोविड होने के बाद उनका जो दवाई से जो लेके जो कॉम्प्लिकेशंस हो रहा है, जैसे हम लोग पोस्ट कोविड में पा रहा है जैसे ब्रीथलेसनेस है और लंग फाइब्रोसिस हो रहा है, काफ़ी वीकनेस हो रहा है, और पेशेंट को बिल्कुल लॉस ऑफ अपेटाइट हो रहा है और गिडीनेस आ रहा है, वैसा पेशेंट काफ़ी पेशेंट्स को हम लोग पोस्ट कोविड OPD में देखा जा रहा है। और ख़ास करके हम लोग मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारा पोस्ट कोविड OPD जो है उसमें हम लोग ने और एक नया प्रोजेक्ट लाया है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और हमारा जो संस्था है दोनों के संबंध में, और जो भी पेशेंट विद इन 1 मंथ में हमारे पास पोस्ट कोविड में आ जाता है, सो जैसे ये 15 दिन में उसका जो पेशेंट का RT-PCR जैसे नेगेटिव हो गया वैसे हमारे पास आ जाएगा, तो पोस्ट कोविड का ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, और उसका टोटल एंटायर जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है और टोटली हम लोग बेयर करेंगे, उसका जो HRCT है और उसका जो ब्लड एग्जीक्यूटिव जो बॉडी प्रोफाइल्स है तो वो कम्प्लीटली हम लोग कर रहा है, उसका कॉस्ट भी हम लोग कर रहा है। और इवन मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आयुष मंत्रालय और CCRS ये खास करके पोस्ट कोविड के लिए पर पेशेंट एटलीस्ट 30-35,000 रुपीस कॉस्ट बेयर कर रहा है। बिल्कुल। आयुष मंत्रालय की जो आयुष 64 दवा है ये मार्केट में मरीजों के लिए उपलब्ध है, आसानी से उपलब्ध होगी? ये काफ़ी दैट मीन्स अच्छा आपका जो क्वेश्चन है, इसमें आयुष मंत्रालय का जो द्वारा जो हम लोग जो ड्रग सप्लाई कर रहे हैं ये मार्केट में अवेलेबल है, मगर मार्केट का जो अवेलेबिलिटी है जो आयुर्वेदिक का जो तज्ञ है जो आयुर्वेदिक डॉक्टर को सलाह से आप देख के ले लीजिए, और अगर आपका आयुष मंत्रालय का कोई भी सेंटर पे अगर आप जाएगा तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। बिल्कुल। कोविड का जो दौर शुरू है, अभी तीसरी लहर आने की आशंका जताई गई है, दूसरी लहर गई नहीं है, इस दौरान आप शहर की जनता को क्या अपील करोगे? मेरी जो
अपील है, खास करके सोशल डिस्टेंसिंग और प्रॉपर हाइजीन मेंटेनेंस और मास्क वियर। और हम देखते हैं अभी पब्लिक, जैसे लॉकडाउन खुल गया सो टोटली सब दुकानों में सब जगह पे भीड़ हो जाता है, उससे फिर वापस आने का चांसेस हो जाता है। तो मेरा एक ही अपील है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, मास्क कंपलसरी पहन लीजिए और हैंड हाइजीन और रेस्पिरेटरी हाइजीन, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप घर पे आते बराबर आपका सैनिटाइजेशन, हैंड वॉश ये ज़रूर रखिए, ये मेरा कहता हूँ मैं। बिल्कुल, तो हमने डॉक्टर आर गोविंद रेड्डी, इनसे कोरोना के दौरान किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए और कोरोना के दौरान कौन सी दवाइयों को लेना चाहिए, इस बारे में जानकारी ली। फिलहाल BCN न्यूज़ के doctor.com कार्यक्रम में वक्त हो चला है यही रुकने का। देखते रहिए BCN न्यूज़। नमस्कार।